हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर्ड हब, द इजीएस्ट वे टू लर्न। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, आज हम कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि रिलेटेड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, अगर हम उसे हिंदी में देखें तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं ये शब्द आते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही फॉर्म है। तो लड़कों के लिए हम लगाएंगे रहा है, लड़की के लिए लगाएंगे रही है, और ज्यादा होंगे मतलब ग्रुप होगा तो हम उनके लगाएंगे रहे हैं। तो इट मीन्स इससे आप पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म चल रही है। ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है ये हमेशा हमें बताता है कि कोई चीज अभी जो चल रही है, लेट्स सपोज मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मतलब इस वक्त कोई एक्शन चल रहा है और उसी एक्शन के बारे में हमें अभी बात कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि एक्शन कब शुरू हुआ था, ठीक है ना, हम बस इस मूवमेंट को देख रहे हैं और इस मूवमेंट में ये एक्शन अभी चल रहा है, तो उसी को हम कहेंगे कि प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, मतलब कंटिन्यूज हो रहा है और वो एक्शन बैक टू बैक चले जा रहा है। सो इसके रूल्स कुछ इस तरह से होंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे में से जब किसी का नेम भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे लगेगा जो एक्सिलरी वर्ब होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको हम आक्स भी कहते हैं, ये आपने देखा होगा आपके जो आपके सिस्टम होते हैं, गाड़ियों के सिस्टम होते हैं, उसमें लिखा होता है आक्स, मतलब सेकेंडरी वर्ब होते हैं ये, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। उसके बाद मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आई एन जी लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल्स पे नजर मारते हैं। तो जैसे जहां पे ये जो आई है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, एम आपका एक्सिलरी वर्ब है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एम किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा आपका एम, ये आप हमेशा याद रखें। अगर कंटिन्यूस की बात चल रही है तो आई के साथ हमेशा एम ही आता है, अगर इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो एम पहले आ जाएगा और नेगेटिव बनाने के लिए भी एम का ही यूज होगा यहाँ पे। तो आपको मेन प्रॉब्लम जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है, जिसको आप इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अमूमन उसके आगे वाले सारे सेंटेंसेस जो बनेंगे आपके, जितने भी टेंस रिलेटेड होंगे वो सारे इजी में होंगे, ठीक है। आगे आपका वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इनके साथ लगता है आर, ए आर ई, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी जो प्लूरल ही आती है। नेक्स्ट है आपका ही हो गया, शी हो गया और इट हो गया, तो उसके साथ जा किसी का नेम होगा, नेम भी यहां पे मैं इंक्लूड कर लेता हूं, नेम यहां, उसके साथ इज आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्लैरिफाई करता हूँ, आई के साथ एम आएगा, वी यू दे के साथ आर आएगा, ही शी इट जा किसी के नेम के साथ इज आएगा। तो इसी तरह से आप सभी सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं उनको बनाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट आई के साथ यहाँ पे एम आ रहा है, और मैं आपको बता दूं एम आर इज ये एक्सिलरी वर्ब होते हैं। एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जिनका यूज सिर्फ हम किसी सेंटेंस में एज अ हेल्प करने के लिए यूज करते हैं, मतलब ये मेन वर्ब नहीं होता है, मतलब मेन वर्ब के ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, लेकिन एक्सिलरी वर्ब थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करता है उस वर्ब तक पहुंचने के लिए, सब्जेक्ट को हेल्प करता है उस वर्ब तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स आपके ये डू हो गया, डज हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, ये सारे के सारे आपके एक्सिलरी वर्ब है, जिनको हम सेकेंडरी वर्ब भी कहते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो बस आपके किसी सेंटेंस को एज अ एक कंस्ट्रक्शन ब्रिज
गैप फिल करते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब के अंदर, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, क्योंकि आपका जो एक्शन होगा वो सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो यहां पे आई आपका सब्जेक्ट है और उसके साथ एम लगे, मैंने जैसे आपको बोला। यहां पे देखो राइट, राइट डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट, ठीक है। तो यहां पे राइट की स्पेलिंग ये होते हैं, मैंने आपको बोला फर्स्ट फॉर्म आएगी, देखिए फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आई एनजी लगेगा, और जब भी इसके साथ आई एनजी लगता है तो यहां से ई कट जाता है और उसकी जगह पे आई एन जी लग जाता है। ये सभी के साथ नहीं होता है, बस आपको सेंटेंसेस के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा कि किस तरह से उसका वर्ड आ रहा है और किसको हम किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज कोशिश करें कोई ना कोई बुक हमेशा पढ़ते रहें और उसका जो मीनिंग है वो डिक्शनरी में सर्च करते रहें, डिक्शनरी को कंसल्ट करते रहें, ताकि जो आपका जितना भी वोकैब है वो आपका अच्छा हो सके, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यहाँ पे क्या है? आर्टिकल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वो पढ़ता है। तो मैंने पिछले वाले ही सेंटेंसेस को कॉपी किया है ताकि आपकी जो एक क्षमता है सोचने की वो अलग अलग आए सेम सेंटेंसेस को लेके, तभी मैंने सेंटेंसेस को चेंज नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैंने सेम सेंटेंसेस लिए हुए हैं ताकि आप सेम सेंटेंसेस के ऊपर ही अलग अलग कैसे 12 टाइप्स जो टेंसेस को होती है उसके अलग अलग सेंटेंसेस बना पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड होता है सेंटेंस है, इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने सभी में एक इसके लिए, एक एम के लिए, एक आर के लिए, ताकि आपका लेवल अच्छा हो जाए इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। इज आपका एक्सिलरी वर्ब है। रीड आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है ये, और इसके साथ आई एन जी लगा हुआ है। ये आई एन जी आपको बता रहा है कोई एक्शन चल रहा है, लेकिन कौन बता रहा है कि एक्शन अभी चल रहा है? वो बता रहा है इज एम आर। आई एन जी लगा हुआ तो कोई एक्शन चल रहा है अभी, लेकिन इज एम आर आपको बता रहा है कि ये अभी चल रहा है। लेकिन यहीं पे अगर वाज वर लगा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये पास्ट की एक्शन चल रही है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों के बारे में ध्यान रखिए। और ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेन ऑब्जेक्ट आपका बुक्स ही है, लेकिन वो डिफरेंट काइंड की बुक पढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एज अ पूरा ऑब्जेक्ट ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है आपका दे, दे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, आर आपका एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे प्ले आपका मेन वर्ब है, और आई एन जी आपको पता ही है कंटिन्यूस की पहचान, आई एन जी तो आएगा आएगा, और फुटबॉल यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे नाउन की मतलब अभी खेल रहा है वो, ठीक है, और अभी खेल भी रहा है। देखो सेंटेंस जब भी मैं जो बोल रहा हूँ ना कि रहा है, रही है और रहे हैं, जब भी सेंटेंस के हिंदी के लास्ट में आप के जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं आए, तो आप समझ आए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म चल रही है। और इसी ट्रांसलेशन को अपने ब्रेन में रखिए ताकि आप जिसको समझे तो आप इसी चीज को ट्रांसलेट करके उसको एज अ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर कर सके। तो इसी तरह से आप अपनी जो लेवल होती है ग्रामर की वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने अभी तक पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े, तीनों के तीनों पॉजिटिव सेंटेंस थे। मैंने आपको बोला था हम पॉजिटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्योंकि इससे आपका जो लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव है वो बढ़ जाएगा कि हम किस तरह से अलग अलग फॉर्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अभी नेगेटिव के ऊपर आते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस नॉट लग जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। तो हम पहला इसी का बनाते हैं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में अब हम इन्हीं सेंटेंस को कॉपी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम का आई एम ही रहेगा, बस उसके बाद नॉट लग जाएगा। मैंने आपको बोला था जिस भी सेंटेंस में नॉट आता था वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज, तो इसके साथ नॉट लग जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी हम सारा सेंटेंस कॉपी करेंगे। ही इज नॉट रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। नेक्स्ट थर्ड वन, दे आर नॉट लगेगा। आपने हर सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो आप ऐसे ही बनाओगे, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तो इस तरह से आपका एक नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं जो कि रिलेटेड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो पहले मैं इसको हटा देता हूं।
सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखा जाए तो सेम सेंटेंस को हम लेंगे लेकिन नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव में कैसे बनाएंगे. अब होगा क्या, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स को हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना. तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चनेटिव सेंटेंस होता है, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यहाँ पे एम कट जाएगा, एम पहले आ जाएगा इसमें. उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, डू और डज को हम ऐड करते हैं. इसमें एक्चुअली हमने यही को कॉपी करना है, एम को कॉपी करके फ्रंट पे ले जाना है और आई सेम ही रहेगा. आपको मैंने बोला था कि आई अगर अलोन होता है तो वो हमेशा कैपिटल में ही रहता है. सो एम आई राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. ठीक है, आई फुल स्टॉप हटके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स को आपने चेंज करना है. तो यहां से इज कट जाएगा, इज फ्रंट पे आ जाएगा और फर्स्ट जो लेटर होगा कैपिटल होगा और ही छोटा हो जाएगा क्योंकि ही कैपिटल नहीं रहा क्योंकि वो फ्रंट पे नहीं है अभी. तो इज ही रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, तो साथ में इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा. ठीक है, लास्ट वन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ. तो इसको कैसे चेंज करें, आर पहले आ जाएगा, आर और टी छोटा हो जाएगा, आर दे प्लेइंग फुटबॉल नाउ. तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस हो रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं. बस आप अपने दिमाग में इस बॉक्स को रखें क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो आपका हर टेंस में फॉलो होगा, प्लस पूरा ग्रामर जो है वो इसी बॉक्स के सराउंडिंग करता है. मतलब इसी बॉक्स को आप अगर अच्छी तरह से ग्रैप कर लेते हैं और साथ में टेंसेस को ग्रैप कर लेते हैं जो 12 पार्ट्स आएंगे बैक टू बैक, तो 90% आपका ग्रामर यही भी कंप्लीट हो जाता है. सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.